बिजली बिल पटाने में भी दिक्कत हो रही थी, तो हमने कहा कि लाइन लगेगी, भीड़ बढ़ेगी, इसलिए दो महीने का जो आधे कीमत में जो बिजली उपलब्ध दे रहे हैं उसका उसकी छूट हमने दी और दो महीने बाद एक साथ वो पटा सकेंगे। और आठवीं नौवीं और ग्यारहवीं के बच्चों को जनरल प्रमोशन दिया, और जो बच्चे जो आंगनबाड़ी में थे रेडी टू ईट उसको घर में पहुंचा के दिए। जो मध्यान्ह भोजन में प्राइमरी और मिडिल स्कूल के जो बच्चे थे उसको सूखा राशन हमने स्कूलों में उसके पालकों को बुलाकर उस स्कूलों में वितरित करने का काम किया। साथ ही समाज सेवी संगठनों का भी हमने सहयोग लिया और बड़ी संख्या में सहायता लोगों ने किया, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और प्रतिदिन लगभग 2.5 लाख लोगों को वो भोजन करा रहे हैं। सूखा राशन भी वितरण करने का काम हम लोगों ने किया है, और उसमें 5 किलो चावल, 2 किलो आटा, शक्कर, नमक, मसाले, आलू, प्याज, इस प्रकार के उस पैकेट में रहता है। बहुत सारे हम लोगों ने देखा कि अब जो बड़े संगठन हैं उन्होंने सहयोग दिया, नगद भी दिया है और हमको राशन भी दिया, लेकिन जो निम्न मध्यम आय वर्ग के लोग भी हैं वो लोग सहयोग करना चाहते थे, तो हम लोगों ने डोनेशन ऑन व्हील एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया। रायपुर में 6 गाड़ी हमने शुरुआत की और कल 2 दिन में करीब 2500 लोगों ने 17000 पैकेट हमको दान में दिया। जो जो भिखारी हैं, मजदूर हैं, जो रोज कमाते खाते हैं उनके लिए सामग्री वितरण करने का काम किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में अभी इस समय में कल ही एक और मरीज मिला, तो कुल मिला के 11 मरीज हुए और 9 जो मरीज है वो स्वस्थ होके घर वापस जा चुके हैं। एक मरीज है वो भी स्वस्थ है और बहुत जल्दी वो भी डिस्चार्ज हो जाएगा। एक 11वां कल रात में ही मिला, और जिस एरिया में मिला है उसका हमने कम्प्लीटली लॉकडाउन किया हुआ है। वहाँ प्रत्येक व्यक्ति के मतलब वो किससे किससे मिला उसकी हिस्ट्री पूरा ले रहे हैं और उन सबकी जांच हम लोग करा रहे हैं। और अभी जिस प्रकार से राहुल जी ने निर्देश दिया है कि हमें रेंडम सैंपल लेना है, उसके लिए भी आदेश दे दिया गया है और बहुत जल्दी वो रेंडम सैंपल का काम शुरू हो जाएगा।